बता दें कि टीवी के मशहूर डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस 4 के कंटेस्टेंट बिक्की दास का शुक्रवार रात एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर चलते दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में नज़दीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। इस हादसे में उनकी पसलियां टूट गई हैं, जबकि कई अन्य जगहों पर भी काफ़ी चोट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 जून की रात बिक्की फूड डिलीवरी ऑर्डर के काम से जा रहे थे, सड़क पर उनकी दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। बिक्की दास जोधपुर पार्क से रानी कुथी की ओर जा रहे थे, जब उनके साथ ये हादसा हुआ। फिलहाल वह कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बिक्की की पत्नी संगीता ने 5 जून को इस बाबत लेक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। जी हाँ, बता दें कि बिक्की दास कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण पिछले काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मजबूरी में वो फूड डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। काम की बात करें तो साल 2014 में बिक्की ने डांस इंडिया डांस सीजन 4 में हिस्सा लिया था। वह शो के सेकंड रनर अप रहे थे और वह सुपर डांसर शो में एक डांस मेंटोर के रूप में भी नजर आए थे। लॉकडाउन के कारण बिक्की से उनका काम छूट गया था और वो स्टेज से दूर हो गए थे। जी हाँ, तो बताया जा रहा है कि बिक्की दास का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जी हाँ, तो हम भी दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएं, अपने घर वापस आ जाएं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।